लोगों के भूत इतने पूज रहे हैं कि पूछो मत, बस जहाँ पे जर मैं बना हूँ पहाड़ी बियर ग्रिल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुरू भाई, आप सब कैसे हैं? मैं स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो की नई शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है दीपू पटवाल और मेरे गांव का नाम है कंडोली छोटी, जहां से मैं आपके लिए ये ब्लॉग शूट कर रहा हूं। और फिलहाल अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8:45 हो गए हैं, 8:45 का टाइम हो गया है। और अभी मेरी तैयारी है बंदर हकाने की, क्योंकि आज हमारी बारी। और मेरे साथ में है अजय। अजय ने तो रेड पैट होके जूते पहन लिए हैं, मैं फिलहाल चप्पल में ही भगाऊंगा उनको। और सानू और थुमरो रास्ता लग गए हैं, सुबह लेके हका दिए थे वो सड़क के किनारे, आज उनको जंगल नहीं लेके गए, इस वजह से उनको सड़क में ही छोड़ दिया। और वो देखो रास्ते लग गए फिर घर के। तो आज के मौसम की बात की जाए तो हल्की हल्की सी धूप भी लगी हुई है, और ठीक आप ये सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगी हुई है हल्की सी धुंध, और यहाँ पे घोड़े खच्चर भी लगे हुए हैं अपने काम में। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सर? हकानी है, हकानी है। हमारी बंसु भाई से रिक्वेस्ट है कि कृपया ये देखिए, आपके क्या बोलते हैं कोदा झंगोरा सारा हो चुका है, टमाटर भी लगे हैं, कृपया इनको आइए और इनको ले जाइए, नहीं तो बांदर इनको साफ कर देंगे। और ये आपकी गोदड़ी भी लगी हुई है यहाँ पे, जल्दी से जल्दी गांव आइए और इन्हें खाइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रयाज भी लग गए हैं। अभी पहले एक राउंड मार के आ जाते हैं मल्ला सारी का भी और तल्ला सारी का भी, नहीं तो लोग पूरा गंज 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 करते रहेंगे। यहाँ पे देखो चूहा कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये उतरने वाला चूहा नहीं है, ये है मरसू, इसके लड्डू भी बनते हैं। सो गाइस, अभी पहुंचे हैं माँ दीबा भगवती के मंदिर के सामने, और यहीं पर थोड़ी आगे जाके माँ काली का भी मंदिर है, उसके दर्शन भी आप सभी को करवाता हूँ। अभी बंदर हकाने की बारी जब भी आती है तब भी एक फायदा है कि आपको क्या बोलते हैं कि मंदिरों के दर्शन में करवा देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर इस साइड आना नहीं होता, पर जब भी बंदरों की बारी होती है तो इस साइड जरूर आना होता है। यहाँ से एक राउंड लगता है सीधे इधर से आगे के लिए, और फिर नीचे से और सड़क से और नीचे तल्ले सारी कवर करते हैं हम, और उसके बाद तब आते हैं घर में। तो अभी मैंने आप सभी को माँ काली के दर्शन भी करवाए, और यहीं पे हमारे गांव के एक दादाजी थे बहुत पहले, उनकी समाधि भी बनी हुई है। बचपन में न जाने हमने इस पेड़ से कितनी सारी छोटियां तोड़ रखी हैं, पूछो ही मत। और यहाँ सामने इस पहाड़ी के पीछे भी एक मंदिर और है, वो भी माँ काली का ही है, उसके दर्शन भी मैं आप सभी को करवाता हूँ। देखिए किस पहाड़ी पे बनाए मंदिर है यहाँ पे, ये देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ देखिए पूरी खाई है नीचे के लिए, और यहाँ पे बना है माँ काली का ये मंदिर। माताओं के मंदिर आप सभी को पता ही है कि ऐसे ही बनते हैं पहाड़ों पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले दीवार भी लगाई गई थी, वो भी टूट रही है धीरे धीरे। बचपन के दिनों की सुकून जो होता था उसकी, जो मैं आपको एक थोड़ी सी याद दिला देता हूँ, जब हम गाय चराने के लिए आते थे तो इस तरीके से ऐसे पत्थरों में बिल्कुल बस ऐसे लेट जाओ आराम से, और ठीक जब टाइम हो जाता था घर जाने का तो तभी हम घर जाते थे। जो गाय चराते टाइम यहाँ पत्थरों में पहाड़ी के सामने सोने का जो सुकून है ना भाई साहब, ये सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ पहाड़ियों को छोड़ के। इस सुकून का अनुभव आप सभी में से लगभग सभी ने किया होगा, और जो ये सुकून की याद मैंने आपको दिलाई ना, आप सभी को पक्का 100% आई होगी। अगर किसी को अपने बचपन के दिनों की ऐसी जंगल में गाय चराते टाइम सुकून जो सोते टाइम मिलता था उसकी याद आई होगी तो पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो पहाड़ों में ऑटोमेटिक ही कई पत्थर ऐसे बने होते हैं बढ़िया से बेड शीट टाइप के, जहाँ मैंने अभी ऊपर था तो मैंने ऊपर भी आपको दिखाए, और यहाँ भी देख सकते हैं आप सारे ऐसे, वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सारे ऐसे बेड शीट टाइप के पत्थर बने हैं, और उनमें सो जाओ बस। तो दोस्तों ये
ये मेरे पीछे आप जो ये पत्थर है पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ नीचे पता एक ऐतिहासिक चीज थी। वो ऐतिहासिक चीज मुझे भी नहीं पता, पर गांव के लोग बताते हैं। बचपन में एक खंड तक तो हम गए हैं, यहाँ थे सात खंड बोले तो, एक गुफा के बाद दूसरी गुफा, तीसरी गुफा, चौथी गुफा, ऐसे ऐसे करके सात गुफाएं थी। इस चीज के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। यहाँ पे ताऊ जी हैं, अपने गाय बच्ची चरा रहे, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, क्या पता इसके बारे में। तो ताऊ जी बताइए जरा, जान दिन छा गया ना? वो जान ही नहीं दिन छा यार, कह देने वो बेटू भी छी। हां, और सात खंड छी बोले भरे छा छी, मला वो पुराना बोलदा सा। हां, पुराना बुआ छा ने। हां, सात खंड उड़ियार। अच्छा, तो दोस्तों मैंने बताया ना आपको, तो पुराने बोलते थे कि ताऊ जी बता रहे कि हमें तो जाने भी नहीं देते थे, पर पुराने बताते हैं बल्कि वहाँ सात खंड थे, मतलब एक गुफा के बाद दूसरी गुफा, तीसरी गुफा, ऐसे करके सात थे बल, पर जाने नहीं देते थे क्योंकि वहाँ पर पहाड़े बिल्कुल ऐसे खड़ी चट्टान पर। बचपन में हम गए एक खंड तक तो हम खुद जा रखे हैं, बाकी खंडों का पता नहीं है। हम जब छोटे थे तो हम खुद गए हैं वहाँ, तो सात खंड तो हमने नहीं देखे क्योंकि यार अब इस टाइम तक तो वो गुफा बंद हो चुकी थी, पर एक आध खंड हम गए थे। बोलते थे कि यहाँ अबल नाग रहते हैं, अली मतलब बचपन में ना डराने के लिए मनगढ़ंत कहानी है, चाहे वो उन्होंने बनाई होगी कि उस साइड ना जाएं, पर जो भी था, पर पुराने बोलते थे कि यहाँ अबल सात खंड थे। तो दोस्तों आप सभी ने जब आप गाय चराने आए होंगे ये चीज जरूर खाई होगी, इनका असली नाम तुंगा है, तुंगा बोलते हैं हम इसे। बहुत खाते थे जब पानी नहीं रहता था, पानी खत्म हो जाता था उसके बाद। अभी तो ये हरे हैं, जब ये लाल हो जाते हैं ना तो अच्छे मीठे होते हैं। तो ये देखिए क्या शानदार चीज है, ऐसे हिल रही है सर 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 सर। तो गाइज आज बंदरों की बारी भी है और मैं बना हूँ पहाड़ी बियर ग्रिल्स, तो आपको मैंने अपने जंगलों के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों बाकी जंगली जानवर तो कुछ हमको दिखा नहीं, पर यहाँ छैल बहुत दिख गए हैं, लोगों के भूत इतने पूज रहे हैं कि पूछो मत, बस जहाँ पे जाओ वहाँ पे नारियल दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज मैं बचपन की आप सभी को एक याद और दिला देता हूँ, बचपन में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बैंड वाला नहीं बना होगा, तो हम भी बचपन में 5 लीटर के डब्बे पर धागा बांधा, उसमें गले में लटकाया 4-5 बंदे, अब बट 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 बट, तो गाँव में बजाते थे। अगर गाँव में लोग नहीं बजाने देते थे फिर हम गाँव रहा हमारा वहाँ, और यहाँ बिल्कुल रास्ता 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 यहाँ पे आते थे। अभी मैं एक पिक लगा देता हूँ बचपन की, आप देख लेना उसको, यहीं पे है साइड में। बचपन में इतने सारे उल्टे काम कर रखे हैं ना पूछो मत यार, सभी ने कर रखे होंगे, मैंने ही नहीं यार, आप सभी ने भी कर रखे होंगे, पर वो काम उल्टे काम सब याद तब आते हैं जब किसी के जागर होते हैं, हम जागर में बैठते हैं जब देवता नाचता है ना, तो खींचता है ना सबको एक एक करके, तो वो कांड उस टाइम याद आते हैं, कहीं पोल ना खोल दे। सो गाइज अभी पहुंच चुके हैं घर पे और काफी देर बंदर हकाने के बाद, वैसे बंदर थे नहीं पर पूरे सारे के चक्कर तो लगाने कंपलसरी है, तो चक्कर लगाए और मैंने आपको आज मंदिरों में भी घुमाया, कुछ जंगल की हिस्ट्री बताई, बचपन की कुछ याद दिलाई। अभी फिलहाल टाइम है लंच करने का, फिलहाल लंच करते हैं। तो गाइज आज खाने में मूली की खिचड़ी हो गई, ये पहाड़ी घी हो गया और पहाड़ी खीरा, फटाफट इसे पहले फिनिश करते हैं। सो गुड इवनिंग गाइज, एक बार फिर से वीडियो में आपका स्वागत है, और अभी फिलहाल शाम के टाइम हो रहा है, 4:15 हो गए हैं, और दोस्तों मेरे पास एक और बिल्कुल तगड़ा सा वीडियो आया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। वो वीडियो मुझे भेजा है मेरे बड़े भाई ने, वो भी रहते हैं दुबई, और शायद वहाँ भी टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, उनकी तरफ से मुझे एक वीडियो भेजा गया है तगड़ा वाला, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। ये देखें तो देखा आपने खतरनाक वीडियो, अरे कले 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 कले, ए बड़ रोशन, ए बड़ रोशन, तो बड़ा रोशन यहाँ पर सो रखा था, जब तक मैं वीडियो चला रहा था तब तक उसने कुछ नहीं किया, और जब मैंने वीडियो बंद की सीधे भाग गया। तो गाइस दिन में लंच करने के बाद मैं सो गया था, उसके बाद इतना सर भारी हो गया था ना, क्योंकि सुबह से हम बंदरों के पीछे ही घूम रहे थे, तो बंदर तो थे नहीं पर फिर भी हम पूरी सारी का जो हम चक्कर लगाया उसकी वजह से सर में इतने भारी हो गया था ना, पूछो ही मत यार, वैसे भी तुमको पता ही है मैं गंजा हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जंगल सफारी कराई, मतलब सुबह मैंने मंदिरों के दर्शन कराए, उसके बाद थोड़ा बचपन की याद ताज़ा करवाई,
तो कई चीजें ऐसी ऐसी बताई जो आपको बचपन की याद जरूर आई होगी। तो होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय। हाँ यार, तो ठीक बन गया बून उसी।